انتشار وقوائے توہمات کو کہنے کے لیے یہ پاکستان اگر ایک سر کاٹے گا تو ہم اس کے دس سر کاٹے گا. کہتے کہ 56 انچ کا سینا ہے. انہوں نے جنتا سے دعوی کچھ ایک کارکرم میں معافی مانگی کہ معافی مانگ رہی اور سمجھ میں نہیں آتا کہ بار بار اس طرح کے اٹیک ہونے میں کئی بار ہوئے اور پھر اس بار آج 20 جوان شہید ہوئے, 40 غائل ہوئے گئے اور میں ان شہیدوں کو جوانوں کو اپنی سرداری حاصل کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنتا پردھان منتری نریندر مودی کو ایک بار معاف کرے. दतिया मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर बड़ोनी नगर में स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप अहिरवार ने एक क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की. वहीं इस कार्रवाई से मेडिकल एवं क्लिनिक संचालक प्रताप विश्वकर्मा की अचानक ड्रग इंस्पेक्टर से चर्चा करते हुए तबीयत बिगड़ गई. तबीयत बिगड़ने के कारण मेडिकल संचालक ने अपने परिजनों को फोन किया और परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले आए. यहां पर उसे भर्ती कराया गया. इसके पश्चात मेडिकल क्लिनिक संचालक को ग्वालियर रेफर किया गया है. वहीं आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर मरीज बनकर एक डेंटिस्ट की क्लिनिक पर अपना चेकअप कराने पहुंचे थे. ड्रग इंस्पेक्टर डेंटिस्ट का लिखा पर्चा लेकर मेडिकल पर पहुंच गए, जहां मेडिकल संचालक के पास दवाइयां होने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देते हुए लाइसेंस की मांग कर दी. मेडिकल संचालक प्रताप विश्वकर्मा बड़ोनी नगर में लंबे समय से बिना नाम से मेडिकल एवं अस्पताल संचालित कर रहा था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्वास्थ्य की दुकान कैसी होगी. एक जगह पर पहुंचा पीएससी के सामने, वहां पर मुझे थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ कि कुछ अनवांटेड एक्टिविटी नहीं हो रही हो, तो मैं गया वहाँ पर. प्रताप सिंह विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति थे, उनसे पूछताछ की गई, अपना परिचय दिया, उनसे अपना उनका नाम पूछा गया. उसके बाद मैंने बताया मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ. फिर उसके बाद उनसे मैंने कुछ दवाई पाई गई, तो मैंने उनमें लाइसेंस की मांग की, लाइसेंस दिखाई है उनकी दवाइयों का. तो उनके द्वारा दवाइयों के मैं देखने लगा था. उसी दौरान उनको फाइल ले आने लगे. वो फाइल में देखने लगे लाइसेंस की प्रति कहाँ है. उस दिन उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई. तबीयत बिगड़ते बिगड़ते फिर आसपास के लोगों ने उनके लिए मतलब